हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को जय श्री राम, श्री शिवा, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव जी। तो कैसे हैं आप सभी लोग फ्रेंड्स, और यहाँ मैं आप सभी लोगों से कुछ बातें शेयर करने आई हूँ, इसीलिए ये वीडियो शूट कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो आप सभी लोगों से मैं अभी बातें शेयर करती हूँ, तब तक आप सभी लोगों से थोड़ी सी बातें करती हूँ फ्रेंड्स। तो आप सभी लोग कैसे हैं, आप सभी लोग बताइए जल्दी जल्दी, और कॉमेंट करिएगा कि मेरे सभी फ्रेंड्स कैसे हैं। और ये वीडियो मैंने अपनी फ्रेंड से बात करने के बाद मेरे दिमाग में बात आई कि मैं आप सभी लोगों तक पहुंचाऊं, और मैंने कल अपनी फ्रेंड से बातें करी। और ये फ्रेंड मेरी है, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि ये फ्रेंड मेरी बचपन की फ्रेंड है। ये मुझे भोलेनाथ जी के मंदिर में मिली थी, मैं वहाँ दर्शन करने के लिए जाती थी, वो भी पूजा करने आती थी, मैं भी पूजा करने जाती हूँ। तो वहीं हम दोनों की दोस्ती हुई, हम दोनों एक दूसरे से बात करने लग गए और एक दूसरे को जानने पहचानने लग गए। फिर एक दूसरे का नंबर लेना देना हुआ और हम दोनों बातें करने लग गए, व्हाट्सअप नंबर से भी जुड़ गए और कॉलिंग नंबर दोनों से जुड़ गए हम लोग। और फिर पहल उसने करी, उसने कहा आप मुझे अपनी फ्रेंड समझिए और हम दोनों रोज़ मिलेंगे, एक दूसरे के घर आएंगे जाएंगे, बातें करेंगे, शेयर करेंगे। लेकिन एक बात उसने मेरे से बहुत टाइम तक छुपाया फ्रेंड्स, और वह बात मेरे को कल पता चली फ्रेंड्स, क्योंकि मैं व्हाट्सएप पे उससे बात कर रही थी, तब उसने कल मेरे से शेयर किया। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी लोगों तक मैं ये बातें पहुंचाऊं और शेयर करूं। तो कल वो अपनी मम्मी के घर पे थी और उसने मेरे से बहुत सारी बातें की व्हाट्सएप पर मैसेज करके। उसी दौरान उसने मुझे एक सरप्राइज़ दिया और सुनकर मैं हैरान रह गई फ्रेंड्स। तो कल से मैं सोच रही हूँ बार बार कि बताइए, इतने दिन से मेरे से बात कर रही है और मेरे को नहीं बताया कि मेरे साथ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है या मैं किस चीज़ से परेशान हूँ। और जब भी वो भोलेनाथ जी के मंदिर में आती थी फ्रेंड्स, तो बहुत ही विधि विधिवत से पूजा करती थी भोलेनाथ जी की। और मैं उससे यही बोलती थी कि प्लीज़ आप उधर बैठ जाओ पूजा करने के लिए और मैं इधर बैठ के पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम लगेगा और मैं इतना टाइम मुझे नहीं लगता है, तो आप उधर शांति से बैठ जाओ और पूजा कर लो। जब तक कि मैं एक दूसरे को हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे तब की बात है। तो वो कहती थी हाँ जी ठीक है, आप उधर बैठ जाओ, मैं इधर बैठ जाती हूँ क्योंकि मुझे टाइम लगेगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो भोलेनाथ जी की पूजा क्यों कर रही है इतनी विधि विधान से। मुझे लगता था कि जैसे मैं पूजा करने के लिए आती हूँ तो मैं उतना नहीं करती हूँ, वो ज़्यादा पूजा करती है इसलिए इस तरीके से पूजा करती है। और जो भी वो पूजा की थाली लाती थी, उसकी थाली में फ्रेंड्स ऐसा कोई भी सामग्री नहीं होता था पूजन का जो नहीं होता हो, और पता नहीं अनगिनत तो डिब्बियाँ होती थी उसकी थाली में। मैं देखती थी और घर पे आकर अपने हस्बैंड से बोलती थी कि जी एक मेरी फ्रेंड आती हैं पूजा करने, अभी न्यू बनी हैं, इतना ज़्यादा कुछ नहीं पता है मुझे उनके बारे में, लेकिन इतना सारा सामान लाती हैं वो पूजा के लिए कि मेरा तो दिल खुश हो जाता है कि मैं भी उसी तरीके से पूजा करूं। लेकिन मैं उतना नहीं करती हूं, बहुत पूजा करती हैं। तो हस्बैंड कहते थे अपनी अपनी भक्ति होती है, अपनी अपनी श्रद्धा होती है, कोई किसी तरीके से करता है, कोई किसी तरीके से करता है, तो वो उस तरीके से करती होंगी। और डेली फ्रेंड्स वो बहुत खाली टाइम में मंदिर आती थी, कभी भी बिजी टाइम में मंदिर नहीं आती थी, ताकि वो भोलेनाथ जी की अच्छे से पूजा कर सके, प्रार्थना कर सके, उनके आगे रो सके। तो वो करीब 11 बजे के टाइम पे मंदिर आती थी, तो मैं कभी कभी 11 बजे जाती थी, इसलिए मेरी मुलाकात डेली नहीं होती थी उससे, मैं जल्दी मंदिर जाती हूँ। लेकिन कभी कभी मैं लेट हो जाती थी किसी काम में, तो मैं भी लेट मंदिर जाती थी। और जब मैं लेट मंदिर जाती थी फ्रेंड्स, तब मेरी मुलाकात उससे होती थी। फिर धीरे धीरे करके हम बात करने लग गए एक दूसरे के बारे में, लेकिन उसने मुझे जो बात कल बताई फ्रेंड्स, वो कभी भी नहीं बताई। तो मैं आप सभी लोगों से अब वो बातें शेयर करने जा रही हूँ फ्रेंड्स, आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। और जो लोग कहते हैं कि भगवान से भरोसा उठ जाता है, भगवान कुछ भी नहीं करते हैं, ये सब एक कहना है, कहने वाली बात है, उन सभी लोगों के लिए मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, भगवान पर भरोसा रखिए, भगवान आपकी भरोसा कभी भी नहीं टूटने देगा। और जो मेरी माताएँ बहनें परेशान हैं किसी चीज़ के लिए, वो यह वीडियो बहुत ध्यान से सुने, और बहुत ध्यान से सुनकर आप लोग भगवान में विश्वास रखिए, भगवान एक ना एक दिन ज़रूर आपकी प्रार्थना स्वीकार करेंगे। तो फ्रेंड्स, कल मेरी उसी सहेली से काफ़ी दिन बाद बात हुई, क्योंकि वो अपनी मम्मी के घर पे चली गई है, डॉक्टर ने उसको बेड रेस्ट बोला हुआ है, तो इसलिए वो मम्मी के घर चली गई है ससुराल से। तो कल मैंने उसको मैसेज किया कि क्या बात है, आप मंदिर नहीं आ रहे हो। तो उसने जो भी बातें कल बताई, मैं हैरान रह गई फ्रेंड्स, और वही बातें मैं आप सभी लोगों से अब शेयर कर रही हूँ कि उसने बोला कि डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट बोल रखा है और मैं इस टाइम पे प्रेग्नेंट हूँ।
और बाबा ने मेरी प्रार्थना 10 साल बाद सुनी है फ्रेंड्स। उसने बताया फ्रेंड्स कि कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं बचा, कोई भी ऐसी जगह नहीं बची जहां मैंने चक्कर नहीं लगाए, और मैं कितना रोई हूं, कितना परेशान हुई हूं। मेरे घर वाले, मेरी सासू माँ, मेरे परिवार वाले सभी लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया था और मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। फिर मैंने बाबा जी का दरबार पकड़ा और बाबा जी के चरणों में आकर रोने लग गई। और अभी मुझे 10 साल हो चुके हैं मेरी शादी को, तो बाबा ने मेरी सुन ली है। मैं 5 महीने से प्रेग्नेंट हूँ और डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला हुआ है, इसलिए मैं मंदिर नहीं आ रही हूँ। तो मैं उन सभी माताओं बहनों से कहना चाहती हूँ कि अगर आप सभी लोगों की उम्मीदें टूट चुकी हैं, आप सभी लोग परेशान हो गई हैं और आप सभी लोगों को बच्चा नहीं हो रहा है, तो आप सभी लोग प्लीज़ बाबा जी पे भरोसा रखिए। और जो भी उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं, पुत्र प्राप्ति या लड़की, मतलब जो भी हो, उसके लिए आप सभी लोग उपाय करें और बाबा जी पर भरोसा करें। बाबा जी ज़रूर एक ना एक दिन सभी लोगों की प्रार्थना सुनते हैं, ज़रूर से ज़रूर सुनते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि मेरी फ्रेंड का सुना और उसने बताया तो मैं हैरान रह गई। मैंने कहा अभी तक आपने मेरे से क्यों नहीं बताया? उन्होंने कहा नहीं बताया, मैं कन्फर्म हो जाऊँ तभी मैं शेयर करूँ किसी से, इसलिए मैंने नहीं बताया था। और फ्रेंड्स जब उसने ये सारी बातें बताई तो मेरे आँख से आंसू निकल आए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि उसने बोला मेरी सासू माँ, मेरी फैमिली सभी ने मेरा साथ छोड़ दिया था और मैं डेली बाबा से आके रोती थी, इसीलिए मैं इतने विधि विधान से पूजन करती थी डेली, लेकिन तब तक मैंने आपसे नहीं बताया था, आज मैं आपसे बता रही हूँ निशा। मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, आपने नहीं बताया तो मुझे उस बात का बुरा नहीं लग रहा, आज आपने बताया मुझे खुशखबरी के साथ तो और भी बढ़िया लग रहा है मुझे। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग, जो लोग भी परेशान हो चुके हैं इन चीज़ से कि बच्चा नहीं हो रहा है, तो आप सभी लोग बाबा जी के दरबार में जाइए, वहीं उन्हीं से रोना रोइए। किसी से रोना रोने से कोई फ़ायदा नहीं और बाबा जी एक ना एक दिन ज़रूर आपकी गोद भरेंगे, सूनी गोद को ज़रूर से ज़रूर भरेंगे फ्रेंड्स। तो आप सभी लोग ये उपाय करिए जो भी पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं, और इसीलिए मैंने ये वीडियो आप सभी लोगों से शेयर किया है कि देखिए बाबा जी पे भरोसा रखेंगे तो आपका भरोसा कभी भी नहीं टूटेगा फ्रेंड्स, कभी भी नहीं। बाबा एक ना एक दिन आपकी गोद ज़रूर से ज़रूर भरेंगे। मुझे भोलेनाथ जी पर पूरा भरोसा है, आज तक मैंने जो जो चीज़ें बाबा से कही है मेरी पूरी हुई है, भले ही लेट लपेट हुई वो अलग की बात है, लेकिन बाबा ने पूरी करी है। तो बस आप सभी लोगों से इतना ही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप सभी लोग छोटे छोटे उपाय करिए और अपने ज़िंदगी को आसान बनाइए, अपने कष्ट को दूर करिए, किसी पंडित वगैरह के लफड़े में मत पड़िए जो कहते हैं इतना पैसा दो उतना पैसा दो उसके बाद आपका काम हो जाएगा। इन सब लफड़ों में आप सभी लोग कभी भी मत पड़िए, केवल केवल बाबा जी का उपाय करिए और बाबा जी पे भरोसा रखिए फ्रेंड्स। बस इससे ज़्यादा कुछ भी मत करिए, अपना पैसा बर्बाद मत करिए, अपना टाइम बर्बाद मत करिए। जितना टाइम आप लोग इधर उधर बर्बाद करेंगे उतना बाबा के दरबार में जाइए, प्रार्थना करिए और बाबा जी से रोइए, बाबा जी ज़रूर सुनेंगे। और आप सभी लोगों के भरोसा और यकीन दिलाने के लिए जो भी मैंने बातें करी अपने फ्रेंड से वो लास्ट में मैं इस वीडियो में ऐड कर दूंगी। आप सभी लोग मेरा और उसका मैसेज ज़रूर पढ़िएगा और पढ़ने के बाद मुझे कमेंट करिएगा, क्योंकि कुछ लोगों को लग सकता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ या फेंक रही हूँ, तो प्लीज़ आप सभी लोग, मैं ऐड कर दूंगी वो, और आप सभी लोग हम दोनों का कॉमेंट पढ़ के कॉमेंट ज़रूर करिएगा। और प्लीज़ आप सभी लोग बाबा जी पर भरोसा करके छोटे छोटे उपाय करते रहिए जी, और उपाय करके अपनी ज़िंदगी को आसान बनाइए। और अगर आप सभी लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखिएगा। और अब मैं वीडियो ऐड कर देती हूँ, आप सभी लोग लास्ट में ज़रूर से ज़रूर देखिएगा कमेंट हम दोनों फ्रेंड्स का। और आप सभी लोगों को जय जय श्री राम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव जी।